अभी थोड़ी देर हुई है मुझे, तो मैंने देखा एक जाल पे एक बच्चा बैठा है। बच्चा है वह, कबूतर है, जो भी है। तो वो आप देख रहे हैं, वो ऊपर बैठा है, वो देखें आप, वो वहाँ पर बैठा है। और धूप भी बड़ी कड़क है, गर्मी फुल है। तो ये देखें, बड़ा ही प्यासा है और बुरे हाल में है। वो ऊपर जाल के ऊपर बैठा है, वो देखें। तो इसे पकड़ते हैं। अभी पकड़ने का तरीका जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ। तो मैं अभी कबूतर भी खोलूँगा बाहर, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये किस तरीके से कबूतर को पकड़ना चाहिए। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि ऊपर का दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया है, वो देखें। लेकिन कबूतर इस जाल में ही उड़ के इधर उधर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से कबूतर इसी जाल के ऊपर है, उस जाल के ऊपर नहीं आ रहा। तो देखते हैं। तो अभी ये अगर उस जाल पे आ जाए, तो वो दरवाज़ा मैंने खोल के रखा हुआ है, तो उससे वो अंदर आ जाएगा, तो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो देखता हूँ, मैं कबूतर को छुड़ाता हूँ ऊपर की तरफ, तो आप लोगों के साथ में शेयर भी करता हूँ तो कैसे कबूतर पकड़ना चाहिए। तो ये बच्चा है, तो अभी देखें, मैं कबूतर थोड़ा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। ये बैठे हैं मेरे नीचे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं शायद कुछ। तो ये ऊपर जाके बैठे, तो ये देखें, तो और भी ऊपर जाए, तो ये बैठे हैं। चलो 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 ऊपर चलो। तो ये ऊपर चले गए, तो वो बच्चा भी पीछे पीछे ही बैठा है, वो देखें, वो बैठा है वो पीछे ही। तो देखते हैं आगे, अगर आया तो इससे अंदर आ जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान तरीका होता है, अगर नहीं आया तो फिर मुझे नीचे पानी वानी दिखाना होगा, दाने दिखाने होंगे, तो उस तरीके से भी पकड़ा जा सकता है। शायद मुझे देख के डर रहा है, तो खैर। आगे नहीं आया, आ गया है फिर रुक गया। अभी कबूतरों ने नहाना शुरू किया है, तो देखते हैं ये आ जाएगा नीचे। अभी ये जैसे नीचे आएगा इंशाल्लाह, फिर आप लोगों के साथ में देखते हैं। बहुत थका मारा इसने मुझे, डंडे दिखा दिखा के, ये करके वो करके, आखिर कबूतर बाहर निकाले, ये आके उतरा। बड़ा तंग किया इसने मुझे, आखिरकार पकड़ा गया। और ये इसकी आंख है, ठीक है, ये इसकी दूसरी आंख, और ये देखें, ये इसकी कली आ रही है तीसरी, पता नहीं कोई चोरी वोरी भी नहीं है।
अच्छा कब पट्ठा कबूतर दग रहा है। अभी से थोड़ा पानी पिला के चोचे इसके पानी में लगा के फिर मैं इसे थोड़ा छोड़ दूंगा, उसके बाद आप लोगों के साथ में। बड़ा टाइम लगाया लेकिन वीडियो में शॉर्ट करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनी हुई है। इसने बड़ा टाइम दिया मुझे, तकरीबन आधा घंटा लगा इसे पकड़ने में। तो तरीका दिखाया आपको कि कैसे पकड़ना है। तो जैसे ही मेरे कबूतर आए बाहर नहाने के लिए, पानी मैंने भर के रखा, नहाने पे आए और इसने देखा और झप से उतरा। मैं जब तक पानी से दिखा रहा था ये नहीं उतर रहा था। तो इसी के साथ ही अपने कुर्बान भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।